कहो भाई जल्दी करो, क्या कर रहे हो? जल्दी इसको अंदर रखो, देर हो रही है। क्यों भाई, ये कहाँ की तैयारी है? वो जारा के लिए नाश्ता ले जा रहा हूँ, पता है ना वो एक रस्म है कि है। माशाल्लाह, ये रस्में अब तुम्हें भी याद रहने लगी। नहीं मैं वाकई में मैं अभी बिलीव नहीं करता हूँ इन रस्मों में अब्बा जान। वो बस मैं जारा की खातिर ये अला बला भर के ले जा रहा हूँ उसके जंगली ससुरालियों के लिए, ताकि वो उस बेचारी को पीछे से कुछ बोले ना। गोया ये तमाम बेटी से मुलाकात का है। हाँ वो रात को एक पल भी मेरी आंख नहीं लगी, बस ये चाह रहा था कि सुबह हो और मैं वहां पहुंच जाऊं। तो चले, वक्त अभी बहुत सुबह है, 6 बज रहे हैं, पहुंचते पहुंचते 7 बज जाएंगे। फिर भी शादी वाला घर है, रात को देर से सोए होंगे, इस वक्त जाकर मुनासिब नहीं है कि उन्हें डिस्टर्ब किया जाए। तुम सोते हैं तो सोते रहे, मुझे क्या है, मुझे तो अपनी बेटी से मिलने जाना है। चले चले जल्दी तैयार हो जाए। सारे खानदान में थू थू हो रही है। हैनी निगो, तेरे हाथ की बनी चाह तो नहीं पी ली इन्होंने? है? ना तो तू मुझे जलाना ना छोड़ना मां, मैं भाईजान की बात कर रही हूं। इकलौता बेटा मां, उसकी शादी का दिन आ जाता तो क्या हो जाता? नहीं, मुझे तो दोनों औलादों ने कोई सुख ना दिया, और तुम दोनों बहन भाई भी रज के बेफैज और बेदीद हो। मुझे रगड़ना जरूरी है। आहो, भूल गई ना वो सारिया रातें कलापे की जो तुमको पाला मैंने? ना तो रातें जाग जाग के फिल्में देखने का किसे शौक था? ज्यादा बकवास ना कर, तू तो वो बुलकिया भी भूल गई जो मैंने अपना पेट काट काट के तेरे मुंह में डाली। तो कितना बड़ा पेट था माँ, कितने सालों से काट काट के इतने का इतना ही रह गया। जज्बाती गल्ला करना ना छड़ी। दूर फिटे मुंह तेरा, एडी वसवा वाली हुंदी ना जाके सारे वस के आंदी, आके घर बह गई है। नाजुक हो तुम,
छोटी सी चोट पे आया है। इतनी सी चोट है? तुम्हें पता है किसी की नाक पे पाँव मरना कितनी बदतमीजी की बात होती है? और शोहर की नाक पे पाँव मरना बदतमीजी नहीं, वो साखी होती है। गुनाह मिलेगा तुम्हें, जहन्नुम में जाओगी तुम। ये तुमने कहाँ सुना? जुम्मे के खुतबे में। मैंने जानबूझ के नहीं किया, अच्छा बस गलती से हो गया। गलती से? देखो सारी नाक सूज गई है मेरी। तुम्हारी नाक का तो एक्चुअली साइज ही इतना। तुम बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही हो। और जो तुमने रात को किया वो? मैंने क्या किया था रात को? मैं तो सो गया था। सोने के बाद ही किया था। सॉरी, गलती से हो गया होगा। सारी रात नहीं मैं सो सकी, दो से तीन बार तुम बेड से नीचे गिरते गिरते रह गई। मुझे बेड पे अकेले सोने की आदत है। ठीक है, मैं डैडी से कहती हूँ कि वो मेरे लिए नया बेड ला दे। क्या कर रही हो? पागल तो नहीं होगी तुम? लोग क्या सोचेंगे? देखो तुम अपनी आदतें बदलो या फिर क्या? सोने की जगह बदल लो। अच्छा अंकल के साथ आप भी आए? आपने कसम खा रखी है मुझ पे कुछ ना कुछ गिराने की। मैंने क्या गिराया आप पर? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी दफा क्या कुछ गिरा चुकी हूँ। तीन बार गिरा चुकी हूँ, पहला अंडा था, दूसरी दफा चाय। गिरी आप पे? नहीं गिरी ना। शादी वाले दिन भी गिरा चुकी हूँ। क्या गिराई थी? बिजली। बिजली? सुना उस दिन मैं बहुत असीन लग रही थी, लोगों पे बिजलियाँ गिरी थी। शादी वाले दिन उन लोगों का दिमागी तवाज़ुन खराब हुआ। मैं फूलों की पत्तियों की बात कर रहा हूँ जो आपने बारात वाले दिन बरसाई थी। मुझे फूलों से एलर्जी है, सारी रात मैं छींकता रहा हूँ। वो छींकें आपको फूलों की वजह से नहीं आई थी, वो छींकें आपको इसलिए आई थी कि शायद आपको बहुत कोई दिल से याद कर रहा था। अच्छा जाके आप प्लीज मुलाजिम को भेज के वो मंगवा ले नाश्ता। चलो, शादी के पहले दिन बेटी के ससुराल के यहाँ नाश्ता करने आ गए। देखिये मैं नाश्ता खाने नहीं लेकर आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, शबाना भाभी नाश्ता आ गया, नाश्ता लाने वाले भी। वैसे क्या क्या लाए? नाश्ता आ गया भाभी। क्या मुसीबत है, अब वॉशरूम भी किसी के साथ शेयर करना होगा। हेलो, कितनी देर है तुम्हें भाई? क्या है, अभी तो आई हूँ। है ये तुम अंदर क्या कर रही हो, कुछ खा रही हो क्या? तो हाँ सर। दारा बीबी आपके दादा और डैडी आए हैं। डैडी और दादा नहीं। गंदी, मुंह तो साफ कर लो अपना। दारा तुमने इतना लहंगा। अब कैसी तबीयत है आप? बस ये ब्लड प्रेशर जो है वो थले डिगा हुआ, शुगर उत्ते बढ़ गई हुई है, जिगर में सोजिश है, गोडो में दर्द है, अखा च जलन है, मेदा सूज गया है। बस हाय। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर हाल में उस जात का शुक्र अदा करते जाओ। मैं तो जी हर वेले अपने सोने रब का शुक्रिया अदा करती रहती हूँ। जी जारा कहाँ है? जमशेद साहब सबर करो, जारा अपने कमरे में है, वो कहीं अगे नहीं टूर गई। मां बिस्मिल्ला, क्या हुआ? दादी मैं गिर गया था। चोट तो नहीं लगी? हाँ मुझे। ओहो बेटा, आप इतने जवान मर्द होकर बच्चों की तरह रो रहे। गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग। अगर मैं मैदान जंग में नहीं वॉशरूम में गिरा था। आपको गिरने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी? ऑन सारा बेटा, जाओ जल्दी से नाश्ता कर लो और साथ चलने की तैयारी करो ना। जमशेद साहब
हमारे बच्चे क्यों जाएंगे आपके साथ? एक रस्म है इसलिए। ना, मेरा पुत्र नहीं कहीं जाएगा। जी? ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? बाहर झगड़ा हो रहा है। सत्यानाश, निकट में मौका माल देखती है ना बक्की नजाकत। बाहर मेहमान आए और ये मुंहमारी कर रही होगी इकबाल के साथ या फिर जारा के डैडी के साथ। डैडी? हाँ, तो इतना लंबा डैडी है तो डैडी ही हो गया ना। अल्लाह खैर करे, ये निकट वाकई भिड़ ना गई हो उनके ससुर के साथ। ये रस्म क्यों नहीं अदा की जा सकती? ये हमारा कार है, हमारी मर्जी, हमें पता है कौन सी रस्म पूरी करनी तो कौन सी नहीं करनी। मगर देखिए, हम भी खानदान वाले, लोग क्या कहेंगे? खेरे लोग, मैंने कभी किन्हीं लोगों का नहीं एहसास किया। हमने ही अपने दिल पर पत्थर रख के अपनी लाडली आपके सुपुर्द की है। आप एक शाम एक रात के लिए अपना पोता नहीं दे सकती? ना ना, जमशेद साहब, मेरा पुत्र नहीं जाएगा रात के लिए। देखें, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं सोने की आदत नहीं है। मैंने कभी इस तरह घर से बाहर रात नहीं गुजारी। मुझे भी कुछ ऐसी ही आदत थी, लेकिन मैं भी तो शादी करके यहाँ पे आई हूँ, रही हूँ। सारा पुत्र, शर्म कर, या कर कोई। आप मेरे सामने मेरे बेटी को डांट रही हैं। साहब, ये अब आपकी बेटी नहीं है, ये इस कार की नू है, इस कार की ती है। तो ओन भी हमारा बेटा, हमारा दामाद है, हम इसको अपने साथ घर लेकर जाएंगे। क्या कह रहे हैं लोग? क्या कह रहे हैं तुम्हें, बताओ मुझे। मैं मुझे कुछ नहीं कह रहा, आपको तो बस मौका चाहिए होता है लड़ने का। तो लोगों ने मेरी लड़ाई नहीं देखी है, होश उड़ा देती हूँ मैं सबके। ओहो, तो यहाँ तो सबके सब लड़ने को तैयार बैठे हैं। जमशेद बेटा, तुम ही आराम से बात कर लो। सारा, प्लीज गो चेंज। जी? गो चेंज। मैं कह रही हूँ ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। लेकिन अम्मी, मुझे परेशानी इस बात की कि ज्यादा झगड़ा हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, फिक्र ना करो। यहाँ पे ये रोज का तमाशा है, तुम्हारा पहला दिन है ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये पकड़ो, मैं तुम्हारी डैडी से बात करती हूँ। लीजिए भाई साहब। नहीं जी, शुक्रिया। थोड़ा सा लीजिए, आप मेहमान है हमारे। आपकी सास ने हमारे साथ मेहमानों वाला सलूक नहीं किया है। बुजुर्ग खातून है, अब उनकी बात का क्या बुरा बनाना। मेरे साथ भी एक बुजुर्ग आए हैं, अगर वो आप से बाहर हो गए तो उनकी भी बात का बुरा ना मानें। देखिए, इस तरह की तलख बातों से बच्चे परेशान हो रहे हैं। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। बहुत परेशान है वाकई। ऑन, अंदर जाकर तैयार हो, तुमने उनके साथ जाना। मुझे चाहिए नहीं। मैंने कहा ना, अंदर जाकर तैयार हो, तुमने इनके साथ जाना। भाई साहब, आप भी प्लीज थोड़ा ताबुन कीजिएगा, ऑन की दादी उसके बगैर रह नहीं पाती। शाम तक ना आया तो बेचैन रहेंगी। ऐसी कोई बात नहीं, और रात को घर आ जाए। मगर रस्म के मुताबिक जारा वहीं रहेगी। पता नहीं हुसना को क्या है, जेड़ी गल मैंने करनी है ना, उसने मुखालफत जरूर करनी है। पता नहीं कहेगी मां किस तरह भेज रही अपने पुत्र को।
भाई साहब, हमारे ओन को ना घंटे घंटे बाद खाना खाने की आदत है, इसे खाना वक्त पर दे देना। हमारे घर में तो खाना खास और मुकर्रर वक्त पर ही लगता है, इसके अलावा नहीं। नहीं नहीं ऐसे नहीं करें, मुझे भी थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है ना, मैं उनको खिलाती रहूंगी। मेरा बच्चा खैरियत से जा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, फिर मान अल्लाह। भाई अब चलने वाली बात करो, अभी सीएनजी की लाइन में भी लगना पड़ेगा। कुछ तंग करने वाला नहीं था। मैं भी बहुत सुकून से सोता था कुछ लोगों के आने से पहले। मैं यहां करूंगा क्या? खेले क्या? ताश, रमी, लूडो? नहीं, क्रिकेट खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। अच्छा अच्छा, पहली बैटिंग मेरी, जल्दी आ जाओ। सुनो जारा, हम ताश नहीं खेल सकते। अम्मा खाना ले जा, ले जा इसको चुपके। मेरी तो संगी के नीचे से एक ग्राम भी नीचे नहीं उतरना अपने पुत्र होने के सिवा। ले जा चुपके। अम्मा क्या हो गया है आपको? वो ससुराल गए, परदेश तो नहीं चला गया? क्या नहीं है, तूने भेजा, तूने। अम्मा दुनियादारी के लिए रस्में निभानी पड़ती हैं, और आपने भी तो हद कर दी थी ना, घर आए समझी के साथ झगड़ा डालकर बैठ गई। हा हो, मैं कमली हूं, मैं पागल हूं, मैं तो लोगों के हत्थे पड़ती हूँ। ए वो तो आपस में दोनों झगड़ रहे थे, तूने अपनी सास का साथ नहीं दिया, तूने दिया दुश्मनों का साथ। और मेरी आंखों के सामने वो मेरे पुत्र रोन को लेके चले भी गए। हाय सोने अरबा, पता नहीं उसे माँ कुछ खाया है कि नहीं खाया। अम्मा वो खैर से शाम को घर आ जाएगा। आ जाएगा, याद रखी एक बात, उसको सौरे घर की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाएगी। रोज अपनी बीवी का हाथ पकड़ेगा तो सौरे घर जाके बैठ जाएगा। हाय ला, हाय पता नहीं उसने कुछ खाया है वहां, उन्होंने उसको कुछ दिया है कि नहीं दिया खाने को। खाना रखे, खा लीजिएगा। आओ ऑन, खाना शुरू करो। लेकिन अभी तो सिर्फ एक बजे है। हमारे यहां लंच करने का यही टाइम होता है। सारा ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, वो दरअसल मैंने नाश्ता बहुत लेट किया था ना, अभी बिल्कुल भूख नहीं है। कैसे हो सकता है ये? लगता है तुम्हें खाने के बाद करके उसे हजम करने की आदत नहीं है। दिन में जितनी बार खाते हो उतनी बार वॉक भी किया करो। जितनी बार खाता हूँ उतनी बार वॉक? हाँ, आधा घंटा हर बार। ज़ारा, सैलड दो उनको। जी। मालूम है गाजर खाने से क्या होता है? पेट में दर्द। फाइबर होता है इसमें, और ब्रोकली में आयरन, और जो कैबेज है इसके अंदर पोटेशियम होता होगा। अच्छा, तो तुम्हें बड़ों की बातें काटने की भी आदत है? मतलब ये कि तुम्हें सिर्फ खाने पीने और जागने की ही नहीं,
बल्कि तुम्हारी बोलने की भी आदत है, वो कंट्रोल करता हूं। ठीक है, आज पहला दिन है तुम्हारा, ऐसा ऐसा सीख जाओ। जारा कहां गई है? जारा, जारा चली गई होगी अपनी चचोरी सहेली के पास। मुझे क्या यहां मुखिया माने के लिए लाया गया था? ये तुम क्या कर रही हो? बाइक चला रही हूं, इतने दिनों बाद मौका मिले टेडी खाने से पहले दो चक्कर लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा। अब तुम इतने बेबी भी नहीं कि मैं तुम्हें आगे बिठाऊं। अच्छा आ बैठो। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना कि शोहर के साथ किस तरह बात करते हैं, किसी से जाके सीखो। मेरे घर में ना मेरी मामा है ना बड़ी बहन। तो मेरे घर में तो खवातीन का ढेर लगा हुआ है ना, उनमें से किसी से सीख लो प्लीज। अच्छा आई प्रॉमिस मैं सबको सीख लूंगी, पहले तुम मुझसे बाइक चलाना सीखो। मुझे बाइक चलाना आती है और वो भी तुमसे बेहतर। वाकई? हाँ। अच्छा चलो तुम चलो, जल्दी आओ ना, डैडी आ जाएगी। आओ बैठो बैठो अभी। हाँ हाँ बड़ा मजा आएगा, ये ले बैठो बैठो। चलाओ चलाओ। हाँ अल्लाह खैर, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। तैयार हो रहा होगा वनीमे के लिए। अकेले अब यहां होता तो मैं करती ना उसे तैयार। तुम्हारी ऐसी ममता उमड़ रही है ना, तो जरा अपनी बच्चियों पर भी नजर डाल लो। इतना फालतू वक्त है अगर तुम्हारे पास, सारा दिन उनके हाथ वाइपर की तरह चलते रहते अपने सर में, जुए तो साफ कर लो उनकी। भाभी ये बहाने बहाने से जताने दिया गैरों के हवाले। अल्लाह ना करे मैं उसे किसी के हवाले करूं, आ जाएगा वो शाम को इंशाल्लाह। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे तो हॉल उठ रहे हैं, और उनके बच्चे तो पहुंच, तेरी खबर लेती हूं मैं। ओह गॉड, लगे तो नहीं? नहीं नहीं मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं। अगर बालों को अब हाथ लगाए, मैं बाल बनाती हूँ आप बाल खराब कर देते हो, लोग ताने मुझे देते। हाय हाय हाय, पहले दिहाड़ी सोरे गया तो सट लगवा ली है, ऐसा से सारा लेके गया सी। हाय मैं मर जाऊ, हाय हाय मैं मर गई। नहीं उसना उसना ये क्या हुआ? नानू रो रही है। अच्छा मेरे नीचे मुखर रोती हुई, अब मैंने कौन सा दिल दुखा? लो कर लो गल भाई, आज वलीमा है, शादी खत्म उसके बाद कल शाम को आराम करके वापस पिंड चलते हैं। मैंने पूरा एक हफ्ता रुकना है उन पुत्र के पास, और एक हफ्ते बाद जब वापस जाऊंगी ना, ओन और जारा को साथ लेके जाऊंगी। चलो जी बड़ी, वैसे तूने कोई डाढ़ी शर्त रखी है ना, मुझे ये बता तुझे ओन को ले जाने कौन देगा? सबसे पहले पौड़ा तो अम्मा ने डाल देना। ये क्या बात हुई, आज भी तो ओन पुत्र को भेजा है ना उनके साथ, जब गैरों के साथ जाके रह सकता है तो सगी चाची के घर क्यों नहीं रह सकता? वो गैर नहीं है, वो उसका ये क्या है? है लगता है ओन के जाने का सुन के ना अम्मा को गशी का दौरा आ गया, और सारे समझे अम्मा लगी गई। तुर फिटे फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो हेलो मंजर, हाँ तुम किधर हो बेटा? जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे साथ जाना है, ओन का एक्सीडेंट हो गया है, बस तुम जल्दी पहुंचो। हाँ आ जाओ जल्दी से आओ जल्दी आओ। मैं क्या? अच्छा मैं जूस लेके आती हूँ। जूस से क्या होगा सारा, मेरा तो खून बह रहा है, मुझे वीकनेस भी हो रही है, कहीं कहीं मुझे चटना लग जाए, कुछ करो ना। तुम्हारा खून कहाँ से बहा? हल्की से खराश आई है, मैं जूस लेके आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे जूस। सर लिसन टू मी, डॉक्टर ने कहा है कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है, चलो मेरे साथ।
इंजेक्शन जमशेद अंकल डैडी आखो क्या कि मेरा आ गया खबर सुन के हाय इन्होंने ना जान के इन्होंने जान के मेरे ओन पुत्र को बुलाया था सी उसका इसकी हम खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट क्यों करवाएंगे वो हमारा दामाद है कहाँ है ओन हॉस्पिटल में हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है उसको एक मामूली सी खराश आई है कोनी पे ऊपर आराम कर रहा है हाय हाय मेरे पोते की कोनी के ऊपर खराश है ना ये क्या जारा सारा ये क्या हो गया वही तो मैं पूछ रही हूँ पप्पा आखिर हुआ क्या है उनको हमने तुम्हारे हवाले किया था ना तुम उसका ख्याल नहीं रख सकी पप्पा ऑन बिल्कुल ठीक है ऊपर कमरे में जूस पी रहा था डॉमन जेरी देख रहा है बर्फ तो नहीं डालती जूस में नहीं वो बिल्कुल ठीक है आए डाली आप ऊपर देखी आए आ जाए अम्मा आ जाए आ जाए जी भाई साहब सब खैरियत तो है ना और ठीक है ना जी हाँ बिल्कुल ठीक है वो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम चाहते हैं कि वो कुछ दिन हमारे साथ रह ले जब तक उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी जी क्या मतलब इस बात से क्या मुराद है आपकी देखिए मैं उसके लाइफस्टाइल के बारे में बात करना चाह रहा था आपसे उसका लाइफस्टाइल जी हाँ उसके लाइफस्टाइल में ऐसी क्या खराबी है अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे बेटे में कोई बुरी आदत नहीं है हमने उसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी कैसी तरबियत की है आपने उसकी ना वो सही वक्त पे जाता है ना वो एक्सरसाइज करता है देखिए जब तक वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाता मैं उसे नहीं जाने दूंगा भाई साहब ये किस किस्म की जिद है आपकी देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक ऐसे शौहर के साथ जिंदगी गुजारे जिसके लाइफ में कोई डिसिप्लिन ही ना हो अपने बारे में वो इतना गैर जिम्मेदार है तो फिर एक बात आप भी सोच लीजिए कि अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो अम्मा समेत सारे घर वाले आपके यहाँ विराजमान होने का सोच लेंगे हम में से किसी को भी ऑन के बगैर रहने की आदत नहीं है इस चीज के लिए तैयार हैं आप जी कहाँ रहे ओहन कैसा है तू हाँ चोट कहाँ लगी तुझे ज्यादा तो दर्द नहीं हो रहा जान निकाल दी थी तुमने हमारी मैं भाभी को फोन करके बता हटो जरा लख दिया लानता उस मोटरसाइकिल के ऊपर जिस पे तू बैठा था मना करती थी ना तुझे ना इन शैतानी चरखों के ऊपर बैठा कर लेकिन आपस की गाल है सच सच दस गया क्यों था तू लग गई समझ मुझे ये जो तेरा सौरा है ना इसे तुझे बाजार से दही लाने के लिए भेजा होगा ये इस तरह के जो बुड्ढे होते हैं ना अपने दिमागों को इसलिए कार में रखते हैं कि उनसे काम लें अल्लाह का शुक्र उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है तुम तो निगरत राई का पहाड़ बना के रख देती हो और दूसरी बात ये वहाँ जाकर बैठ गई सारे इंतजाम मैं अकेले करूंगी क्या तो आपने अकेले कौन सा देखे पकानी है हॉल में सारा इंतजाम है हॉल में तो इंतजाम है लेकिन मेजबानों का वहाँ होना भी जरूरी है तुम क्या लड़की वालों की तरफ से होगी वलीमे में अल्लाह ना करे मैं लड़की वालों की तरफ से आऊँ मैं वहाँ मेहमानों से पहले पहुँच जाऊंगी भाभी आप एक काम करें ना भाई के हाथों मेरे कपड़े भिजवा दे मैं यहाँ से तैयार होकर आ जाऊंगी कपड़े तुम्हारे में भेज ही दूंगी लेकिन देर मत लगाना वक्त से आ जाना और निकट तुम्हें खुदा का वास्ता है अब वहाँ कोई बावेला ना करना हद अदब याद रखना अब मुझे काम करने दो अच्छा ओके 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 आपने ड्राइवर को कहां भेज दिया इस वक्त गजरे लाने के लिए गजरे गजरे हाँ गजरे वो जो फूलों से नहीं बनते कलाई में पहनते वो ये कौन सा वक्त है उसको भेजने का हम सब यहाँ तैयार इंतजार कर रहे हैं उसका और ट्रैफिक में फंस गए हम सब लेट हो जाएंगे आप उसको पहले नहीं भेज सकती थी पहले कैसे भेज सकती थी फूल मुरझा जाते हैं आपसे तो कोई बहस में जीत ही नहीं सकता मुकाबला कर रहे थे आप देखें गजरे आ जाएंगे आप तो तैयार हो जाएं
बाबा जी आपने मुझसे कुछ कहा? कंगा दे छड़ो, वलीमे का वेला सिर पे आ गया, मैंने तैयार भी होना है। कंगा? तो कंगे दा नहीं पता, हर कमरे में तो नैश व लोहे के तारों वाले ब्रश रखे हुए हैं, उसे मेरे वाल टूटते हैं, मुझे आदत है लकड़ी की कंगी करने की। लड़की की कंगी? लड़की की नहीं, लकड़ी की कंगी। हमारे यहाँ नहीं है। तो चलो प्लास्टिक की दे छड़ो। वो आप ब्रश से काम चला लें। ले, ये इज्जत है इस कार में दिमाग के कार वालों की, 10-20 रुपए की कंगी नहीं मंगा के दे सकते। मैं ड्राइवर से कहता हूँ। ते छेती आखो ना, हमारी सारी बिरादरी शरीका सारे रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं उधर, वो वक्त के बहुत पाबंद है। लड़की की कंगी? वे बाबा लड़की नहीं, लकड़ी की कंगी, भेजो उसको छेती। अरे बाबा ते कमला ये सिर खा छ गया। आस्ता बोले। क्यों आस्ता बोलू, मीठे लोग होली बोलते हैं। अबे ऑन चले बेटा फिर। एक मिनट खलो जाओ, ठहर जाओ, हम पहले जाएंगे तो हमारे बाद फिर अद्धे घंटे के बाद आना। वो किस लिए? हाय हाय, हम मुंडे वाले हैं ना, तो वलीमा हमारी तरफ से होगा, आप मेहमान हो और हमने आपको जिया आखना है, हम पहले जाएंगे, हार चार पकड़ेंगे तो आपको पुआएंगे तो सोना लगेगा। नहीं आई गल समझ? ये क्या बात हुई, हम यहाँ आधे घंटे के लिए क्या करेंगे? आप लोग तब तक आराम कर लीजिएगा। डैडी ऑन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग पहले चले जाते हैं, आप आधे घंटे बाद नहीं तो 10 मिनट के बाद आ जाइएगा। ये ठीक है। डैडी क्यों आएंगे इतनी रात को? अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। इन लोगों ने तुम्हारी आदतें खराब कर दी है साला। 7:12 हो रहे हैं और तुम अब तक सो रही हो। डैडी मैं तो जाग रही थी। बरखुरदार ऑन। बड़ों को सलाम करना मुझे ही सिखाना पड़ेगा तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहे। बड़े कहते हैं छोटों को। देखो 7:30 से पहले पहले नीचे आ जाओ, 7 जॉगिंग पे चलना है। क्या जॉगिंग? यस, पहले मैं और जारा साथ जाया करते थे, इस बार तुम भी साथ चलोगे। Come on, get up. उठो। नहीं नहीं नहीं, जाना जॉगिंग पे।